A very heartiest good morning to all of you. This is Lal Chandra Yadav, your Shashti teacher. Welcome to all in your class. Dear students, I hope all of you are fit and fine and enjoying your study. As you know, we are studying the first chapter of the economics development. And in this chapter, we have read about the definition of the development and we have also discussed how the notion of the development of the people is different from one another. And this is not necessary that the development of ones will be the development for others. It may be different and sometimes it may be conflicting to one another. प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डेवलपमेंट की डिफिनेशन के बारे में पढ़ा और ये जानने का प्रयास किया और ये जाना कि डेवलपमेंट का आइडिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि जो एक का डेवलपमेंट होता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे का भी डेवलपमेंट हो। और हमने ये भी डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक का डेवलपमेंट दूसरे का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। कभी कभी तो दूसरे का डेवलपमेंट दूसरे के लिए नुकसानदायक हो जाता है, यानी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। ये सब कुछ हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनल डेवलपमेंट। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल डेवलपमेंट के बारे में। एंड विद दिस टॉपिक वी विल आल्सो वी डिस्कस हाउ द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द स्टेट इज कंपेयर्ड विद द अनदर कंट्री एंड द स्टेट। साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी एक कंट्री के डेवलपमेंट को दूसरी कंट्री के डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं, या एक स्टेट के डेवलपमेंट को दूसरे स्टेट के डेवलपमेंट से कंपेयर करते हैं। वो इंडिविजुअल पर्सन का भी हम कर सकते हैं कि कैसे किया जाता है। हम बात करेंगे किसके बेसिस पे? इकोनॉमिक बेसिस पे, यानी जो हमारा डेवलपमेंट का चैप्टर है जो हमारी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, हम उसके बेस पे डिस्कस करेंगे, किसी और बेस पे डिस्कस नहीं करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द नेशनल डेवलपमेंट। यानी पहला हमारा क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है। एज यू नो वी हैव डिस्कस्ड दैट द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स। हमने पहले क्या डिस्कस किया था कि जो डेवलपमेंट की आइडिया है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स माने जटिल है, यानी हम किसी एक बेसिस पे या किसी एक क्राइटेरिया के बेसिस पे ये नहीं कह सकते हैं कि यही डेवलपमेंट का बेस होगा और हम इसी के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट। आप जानते हैं कि नेशन किससे बनता है? नेशन बनेगा लोगों से, है कि नहीं? जब लोग होंगे उसी से तो नेशनल बनेगा। एक एक करके ही तो राष्ट्र बना हुआ है। जैसे बूंद बूंद से समुद्र बनता है, वैसे ही क्या है कि व्यक्तियों से मिल करके, वहाँ के नागरिकों से मिल करके ही तो नेशन बना हुआ है। और आपने क्या पढ़ा कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स। आपने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जो ये इंडिविजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट गोल को खोजते हैं। जैसे कि फार्मर क्या है, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि फार्मर क्या चाहता है कि इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हो, उसे चीप रेट पे सीड्स अवेलेबल हों, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हों और उसके क्रॉप की अच्छी प्राइसेस मिल जाए। फिर इंडस्ट्रियलिस्ट क्या सोचता है कि रोड वगैरह अच्छे हों, टैक्स वगैरह रिमूव कर दिए जाएँ और उसकी मटेरियल की मार्केट में काफ़ी डिमांड हो जाए। ऐसे ही अलग अलग लोग अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग मांग रखते हैं, अलग अलग चीज़ों की अपेक्षा रखते हैं, डिमांड रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उनकी ये चीज़ें मिलनी चाहिए। तो ये डिफिनेशन निकल के आती है कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, क्योंकि इंडिविजुअल से ही मिल करके हम इसलिए बताना चाह रहे हैं कि इन्हीं इंडिविजुअल से क्या बना है, आपका देश बना हुआ है। तो जब लोगों की अलग अलग राय होगी डेवलपमेंट के बारे में तो नेशन की भी तो अलग अलग ही राय होगी, क्योंकि लोगों की राय ही तो नेशन की राय है। इंडिविजुअल्स जैसे कि इंडिविजुअल कंट्री भी तो हैं। सपोज करिए कि नेपाल है, चाइना है, अमेरिका है, इंडिया है, तो भाई कोई व्यक्ति किसी एंगल से सोचता है। इंडिया कहता है कि हमारे लिए पेड़ पौधे हों, प्राकृतिक पर्यावरण हमारा अच्छा हो, हम लोग क्या कर पाएँ कि अतिथि का सत्कार कर पाएँ और रात को सोने के लिए हमको बिस्तर मिल जाए, पेट भरने के लिए भोजन मिल जाए, हमारे लिए यही डेवलपमेंट है।
तो फिर अमेरिका का कुछ अलग नोशन हो, कहता है कि हमारे पास बंगले हों, गाड़ियाँ हों, प्लेन्स हों, मिसाइल्स हों, तो हमारे लिए वो डेवलपमेंट है। तो आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट इज डिफरेंट। ये हर व्यक्ति की आइडिया अलग अलग होती है। कोई कहता है कि पैसों से सुख है, कोई कहता है कि पैसों से सुख नहीं है, तो कोई कहता है पैसा उतना ही चाहिए जितनी हमको ज़रूरत है, कोई सोचता है कि गाड़ी रहना ही जीवन है, कोई सोचता है कि गाड़ी नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई सोचता है कि हमको नेट की अवेलेबिलिटी खूब अच्छी मिल जाए वही हमारे लिए डेवलपमेंट है, तो कोई सोचता है कि हमको एग्ज़ाम ना देना पड़े वो हमारे लिए डेवलपमेंट है, तो कोई सोचता है कि हमको पढ़ाना ना पड़े वो हमारे लिए डेवलपमेंट है। द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो आप यही तो पढ़ रहे हैं कि इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, वो क्या करते हैं, डिफरेंट गोल को करते हैं। देन देयर नोशंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इज ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है। देन देयर आइडिया टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट विल आल्सो बी डिफरेंट। आपकी एनसीईआरटी की बुक में हो सकता है कुछ और तरीके से लिखा हो, लेकिन बात यही है कि उनका जो फिर नोशन है, नोशन का मतलब समझ रहे हैं ना, डेवलपमेंट के बारे में जो कुछ सोचते हैं आइडिया, देन दियर आइडियाज, आइडिया की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, नोशंस भी लिख सकते हैं। नोशंस का मतलब विचारधाराएं, इसी की जगह पे आप नोशंस लिख सकते हैं, क्योंकि ये कीवर्ड है एनसीईआरटी का, आपको इसे यूज करना चाहिए। डेवलपमेंट विल आल्सो भी डिफरेंट, वो क्या होगा, अलग भी होगा और कभी कभी तो कॉन्फ्लिक्टिंग भी होगा, है कि नहीं। जैसे कि वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं ना आइडियाज, कि भाई हमारे लिए ये डेवलपमेंट है, आपके लिए ये है, जो आपके लिए डेवलपमेंट हो सकता है कि मेरे लिए वो क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो, नुकसानदायक हो। पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि किस प्रकार से, जो डैम का हमने एग्जाम्पल लिया था, डैम जो है वो किस प्रकार से फार्मर्स के लिए यूजफुल था, यानी पीजेंट्स के लिए यूजफुल था, साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए यूजफुल था, लेकिन किसके लिए यूजफुल नहीं था, ट्राइबल ग्रुप्स के लिए नहीं था। और हमने किस डैम के बारे में डिस्कस किया था, स्पेशली किसका एग्जांपल लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में वन मार्क में आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो सरदार सरोवर डैम को हमने एग्जाम्पल के तौर पर रख करके डिस्कस किया था, है कि नहीं। क्योंकि ट्राइबल ग्रुप को क्यों नहीं पसंद है, क्योंकि अगर डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो उनको क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा उनका, यानी उन्हें अपनी जगह छोड़ करके जानी पड़ेगी। तो नेशनल डेवलपमेंट भी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज है, यानी नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी लोगों की एक राय नहीं है, यानी सारे नेशन जो हैं किसी एक क्राइटेरिया को ये नहीं सोचते कि यही डेवलपमेंट है। जैसे इंडिविजुअल अलग अलग सोचते हैं, वैसे नेशन भी क्या सोचते हैं, अलग अलग सोचते हैं। या अपने ही नेशन की बात लें, नेशन से पहले आप अपने ग्राउंड हेड के बारे में ले लीजिए, जो आपके गाँव के हेड होते हैं यानी प्रधान, उसमें देखिए कि सपोज करिए कि कोई प्लान बना रहा है, कोई स्कीम बना रहा है, प्रधान चाहते हैं कि यहाँ से नाली बन जाए, तो प्रधान कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ नाली बनना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, नाली से ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोड है, सड़क बना दिया जाए। तो फिर अब देखिए, प्रधान के लिए तो दोनों ही व्यक्ति उसी के नागरिक हैं ना, वो इसी गाँव के ही हैं। ऐसे ही नेशन के लिए लोग, सारे लोग नेशन के हैं, सारे लोग देश के हैं, तो फिर क्या काम करें, नेशनल डेवलपमेंट क्या हो, यानी कौन सी बात सोची जाए कि वो नेशनल डेवलपमेंट हो। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया निकल करके चला आता है। अब इसलिए हम जो है ना, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट की कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं लिख पाते हैं। तो नेशन क्या करता है कि वो देखता है कि कितने लोग किस चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। अब सपोज करिए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि डैम होना चाहिए, डैम हो, इसके फेवर में 80 लोग हैं। अब मान लो 60-70 लोग डैम ना हो इसके फेवर में हैं, तो फिर दोनों लोग लगभग बराबर हो जा रहे हैं, तो फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन इससे एक डिफरेंट कंडीशन की हम बात करें कि सपोज करिए कि 100 लोग चाह रहे हैं कि डैम बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डैम से क्या बेनिफिट है, इरीगेशन की ज़रूरत है सबको, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, और केवल मुश्किल से मुश्किल 5-6 लोग कह रहे हैं कि डैम ना हो, तो गवर्नमेंट किसकी बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी, किसके बातों को ज़्यादा सपोर्ट करेगी। तो जो ज़्यादा लोगों का जिससे बेनिफिट हो सके वह गवर्नमेंट प्लान बनाती है। तो अब नेशनल डेवलपमेंट के बारे में भी हम यही लिख सकते हैं कि द डेवलपमेंट विच इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स कैन बी पुट अप इन टू द कैटेगरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। हम उसे नेशनल डेवलपमेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं,
यानी ऐसा डेवलपमेंट जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट दे सके, वही नेशनल डेवलपमेंट होगा, है ना। ये तो एक अलग आइडिया हो गई जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको समझाने के लिए कहा। अभी हम अपने जो करंट टॉपिक है उसी पर चलते हैं। करंट टॉपिक हमारा ये हो गया कि इंडिविजुअल से डिफरेंट गोल्स, यानी डिफरेंट गोल को वो लोग सीख करते हैं, डिफरेंट गोल को चाहते हैं, तो फिर इसीलिए कोई एग्जैक्ट क्राइटेरिया डिसाइड कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, है ना। अब पूरा डिफिनेशन आपको बता दें, बहुत सारी लंबी कहानी हो गई, एक लंबी गाथा हो गई, आप सोचेंगे कि इसमें हम क्या लिखें क्या ना लिखें। तो देखिए, जब आपको पूछा जाता है व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, तो आपको लिखना ये है कि द आइडिया ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज द आइडिया ऑफ द डेवलपमेंट फॉर इंडिविजुअल्स आर आल्सो कॉम्प्लेक्स, ठीक ना। बिकॉज द इंडिविजुअल्स सीक डिफरेंट गोल्स देन दियर नोशंस और आइडियाज टूवर्ड्स नेशनल डेवलपमेंट विल आल्सो बी डिफरेंट, ये भी क्या होगा, अलग होगा। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड दैट द विच स्कीम्स एंड द प्लान्स विल बी बेनिफिशियल्स फॉर द नेशनल डेवलपमेंट। इन दिस कंडीशंस द गवर्नमेंट लुक्स टू द बेनिफिट्स ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल्स इफ बाई द एनी स्कीम और द प्लान्स द गवर्नमेंट कैन गिव द बेनिफिट्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स देन इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, तो इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा एंड इट कैन बी पुट अप इन टू द कैटेगरी ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट। एक कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होनी चाहिए ना। अब हम ये करेंगे ना, दूसरा हमारा जो टॉपिक आएगा, देन हाउ कैन वी कंपेयर टू द डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री विद द अनदर कंट्री। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इफ द आइडिया एंड द नोशंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज डिफरेंट ऑफ द एवरी कंट्रीज और द सम कंट्रीज, देन हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। तो फिर हम कैसे कंपेयर करें कि कोई कंट्री डेवलप है या कोई कंट्री अंडर डेवलप है। इन टू द अदर वर्ड्स वी कैन से दैट, हाउ कैन वी से दैट द सम कंट्रीज आर डेवलप एंड सम आर अंडर डेवलप आर अनडेवलप। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई कंट्री जो है वो डेवलप है और कोई कंट्री डेवलप नहीं है। पीछे आपने पढ़ा ना कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, डिफरेंट क्राइटेरिया को चूज करती हैं, डिफरेंट चीज़ों को मानती हैं कि मेरे लिए तो यही डेवलपमेंट है, हम डेवलप्ड हैं। लेकिन कोई कॉमन क्राइटेरिया होगा जिससे कि हम कंपेयर कर सकें कि नहीं, अमेरिका डेवलप है या स्पेन डेवलप है या जापान डेवलप है या इंडिया डेवलप है या भूटान जो है अंडर डेवलप है या कोई अनडेवलप है। तो फिर कोई क्राइटेरिया तो होनी चाहिए कि हम उस पर बेसिस पे ये सेलेक्ट कर सके कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलप है या नहीं है। तो ये आप हमारा टॉपिक है कि हाउ कैन वी कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो हम करते क्या हैं कि हम कुछ कॉमन चीज़ों को लेते हैं, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो सब जगहों पर पाए जाते हैं। पीछे हमने डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने देखा था कि आइडिया ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट और द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज डिफरेंट, बट देयर इज ए वन कॉमन थिंग्स विच इज नीडेड बाय द एवरीबॉडी, जो हर व्यक्ति के द्वारा चाहा जा रहा है, मांगा जा रहा है, और वो क्या था कि देयर इनकम शुड बी इंक्रीज, कि उनकी जो इनकम है वो बढ़नी चाहिए, उनकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। अब उसी को हम लोग लेंगे क्राइटेरिया के रूप में। देखिए कि यूजली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्संस एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स। हम क्या करते हैं कि एक या एक से ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स होगी, किस हर कंट्रियों में कुछ कॉमन चीज़ें होंगी, उन्हीं को हम क्या करेंगे कि एक डेवलपमेंट की बेसिस पे लेंगे, यानी उसकी क्राइटेरिया बनाएंगे डेवलपमेंट की। फॉर कंपेयरिंग कंट्री दियर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो हम करते क्या हैं कि कंट्रियों को कंपेयर करने के लिए हम इनकम को लेते हैं कि किस कंट्री की कितनी इनकम है, और इनकम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि विच कंट्री इज डेवलप एंड विच कंपनी इज अंडर डेवलप। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सभी चीज़ें जो हैं स्पष्ट है और आप समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने ज़्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, इतना सारा लेक्चर हो गया, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हमने पढ़ा है व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट, तो उसमें हमने आपको बताया है कि द आइडिया ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज द आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल डेवलपमेंट इज आल्सो कॉम्प्लेक्स। इंडिविजुअल्स सीक द डिफरेंट गोल्स देन द आइडिया ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट इज आल्सो भी डिफरेंट।
आइडिया या नोशन उनका डिफरेंट हो सकता है. सो इन दिस कंडीशंस हाउ कैन वी कंपेयर टू द वन कंट्री विद द अनदर कंट्री और द वन स्टेट विद द अदर स्टेट, कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं. देन वी हैव फाइंड आउट दैट टू कंपेयर टू द वन कंट्री और द स्टेट विद द अदर कंट्री और स्टेट वी टेक वन आर मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हम एक या एक से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक को लेते हैं हर कंट्रियों की जो कॉमन है अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक, और उसी कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं. जैसे कि सपोज करिए एक छोटी सी एग्जाम्पल को हम लें, आपके क्लास की एग्जाम्पल को लें कि भाई कोई मैथ में अच्छा हो सकता है, कोई जो है स्पोर्ट में अच्छा हो सकता है, कोई जो है डांस में अच्छा हो सकता है. तो फिर हम ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा है, यानी बेटर है एक दूसरे से, कंपेयर करें. तो जनरली आप देखते होंगे कि मार्क के बेसिस पे लोग कैटेगराइज करते हैं. तो जैसे आप जिसका मार्क्स अच्छा होता है, स्पेशली जो उनकी कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल, इन सब के बेसिस पे हम कंपेयर कर लेते हैं. तो इस कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को इग्नोर कर रहे हैं. जैसे कि कोई स्पोर्ट में अच्छा है तो हम स्पोर्ट को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. तो कोई डांस में अच्छा है तो हम उसको क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ले सकते हैं, और वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ऐसे ही किसी कंट्री में क्या है कि हम इनकम को जो है मेन क्राइटेरिया के रूप में लेते हैं, जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है वो हम इनकम को लेते हैं कि किसी कंट्री की अगर इनकम जो है किसी दूसरी कंट्री से बेटर है तो वो कंट्री क्या होगी, वो कंट्री जो है डेवलप होगी या वो कंट्री उससे बेटर कंडीशन में होगी, और दूसरी जो होगी वो क्या होगी, उसके कंपेरिजन में अंडर डेवलप होगी, है ना. उसी के साथ हम कुछ और चीज़ों को भी लेंगे, उसके बारे में हम अलग आगे डिस्कस करेंगे. अभी हम इनकम को लेते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर इनकम को ही जो है वो किसी कंट्री को या स्टेट को कंपेयर करने के लिए क्यों कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया गया है, क्यों लिया गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी. अभी तक आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया कि ज़्यादा अपने ऊपर बोझ मत बनाइएगा. आपने केवल पढ़ा है नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हमने कह दिया कि क्योंकि डेवलपमेंट की आइडियाज जो है लोगों की अलग अलग हैं, इसीलिए हर एक नेशन की भी डेवलपमेंट के प्रति आइडिया अलग अलग है. हमने आपको एग्जांपल्स भी दिया कि सपोज करिए कि भाई अमेरिका कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही सबसे अच्छा डेवलपमेंट है, यानी जिसके पास पैसा ज़्यादा है वही कंट्री जो है वो डेवलप मानी जानी चाहिए. तो कोई कह रहा है कि नहीं, केवल जो है पैसे की बेसिस पे हम नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि किसी देश की कंट्री में कितनी लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, झगड़े नहीं हो रहे हैं. तो आप देखते नहीं कि बहुत सारा इंडेक्स निकलता है. अगर आप करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स निकलता है, क्लाइमेट का इंडेक्स निकलता है कि कौन सी कंट्री का क्लाइमेट सबसे अच्छा है, कौन सी कंट्री जो है इन्वायरमेंटल ज़्यादा फ्रेंडली है, तो किस कंट्री का इनकम ज़्यादा है. ये डिफरेंट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, तो उनके बेसिस पे अलग अलग कंट्रियों की अलग अलग रैंकिंग होती है. जैसे कि सबसे खुशहाल देश की बात करें तो आप जो गिनते हैं स्वीडन आता है, न्यूजीलैंड आता है, नॉर्वे आता है. अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो अमेरिका आता है. ऐसे क्लाइमेट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अलग अलग कंट्रियां आती हैं. तो अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कंट्रियां हैं, लेकिन इनकम के बेसिस पे ही जो डेवलप और अनडेवलप की एक डिफिनेशन दी जाती है कि कौन सी कंट्री डेवलप कंट्री होगी, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं होगी, वो इनकम को बेस बनाती है. और कौन बनाता है इस इनकम को बेस, वर्ल्ड बैंक बनाता है. यानी द वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो पूरे दुनिया का डेवलपमेंट रिपोर्ट है वो पब्लिश करता है. कौन करता है, वर्ल्ड बैंक. करंट ये आपका एक नंबर के जो एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उसमें आपसे ये पूछा जा सकता है. तो वो वर्ल्ड बैंक जारी करता है, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, आपको टेक्स्ट बुक खूब अच्छे से पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी की लाइन बाई लाइन आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सब एनसीईआरटी से बनने हैं. अगर आपको अच्छे से एनसीईआरटी आती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको एनसीईआरटी की है, तो आपको 95 प्लस या 100 मार्क्स पाने से कोई रोक नहीं सकता. तो इसलिए आप एनसीईआरटी को मत छोड़िए, उसके हर लाइन बाई लाइन को आप समझने का प्रयास करिए. तो अभी मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की, अभी हम जो है बात कर रहे हैं ना, किसकी बात करने जा रहे हैं, इनकम की. तो इनकम भी देखिए दो हो गई. आपने कहा ना कि इनकम के बेस पे हम क्या करते हैं, कंट्रियों को कंपेयर करते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम
Generally, we compare to one country with other country. दूसरे कंट्रियों के साथ हम किसके बेसिस पे कंपेयर करने जा रहे हैं? इनकम के बेसिस पे. अब इनकम भी देखिए दो है. इस इनकम को भी हम दो पार्टों में लेंगे. एक तो हो गई नेशनल इनकम. ये नेशनल इनकम क्या है भाई? नेशनल इनकम का मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई देश कमाने जा रहा है, पता चला कि इंडिया नौकरी करने जा रहा है, इंडिया जो है टीचिंग में है, या पाकिस्तान नौकरी कर रहा है, जापान नौकरी कर रहा है. ऐसा तो कोई देश है नहीं कि कोई देश नौकरी करने जाए. वो कौन नौकरी करता है? देश के लोग करते हैं. तो डेवलपमेंट भी कौन करता है? देश के लोग करते हैं. देश तो कोई ऐसा तो कोई मतलब कि जो है फिजिकली पर्सन तो है नहीं कि वो जाएगा काम करेगा ड्यूटी करेगा पैसा कमा के लाएगा और फिर हम कह देंगे कि भाई इंडिया 20 रुपया कमाता है, पाकिस्तान इतना कमाता है. इंडिया कमाता है मीन्स इंडिया के लोग कमाते हैं, तो पाकिस्तान के लोग कमाते हैं. अब देखिए कि ये जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. ऑफ द कंट्री मीन्स टोटल इनकम ऑफ द पर्संस ऑफ दैट कंट्री. जितने वहाँ के लोग हैं उनकी इनकम को हम क्या कह देते हैं? नेशनल इनकम की कैटेगरी में रख देते हैं. तो क्या नेशनल इनकम के बेसिस पे जो है हम किसी कंट्री को कंपेयर करें या ना करें? आप देखिए कि इंडिया की जो नेशनल इनकम है वो ज़्यादा है बहुत सी कंट्रियों से, लेकिन इंडिया जो है वो डेवलप कंट्री की कैटेगरी में नहीं आता है. जबकि इससे कम इनकम है जैसे कि स्विट्जरलैंड वगैरह है. अगर टोटल इनकम की बात करें हम देश की यानी कंट्री की, तो वहाँ की इनकम यहाँ से कम है लेकिन वो डेवलप कंट्री है. तो ये बात होती है कि दूसरा क्राइटेरिया आता है कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है. यानी जो टोटल इनकम है उसको हम डिवाइड कर देते हैं किससे किससे डिवाइड करते हैं हम वहाँ के टोटल नंबर ऑफ पीपल से डिवाइड कर देते हैं, और फिर जो इनकम निकल के आती है उस बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं कि कौन सी कंट्री जो है वो डेवलप है और कौन सी कंट्री जो है वो क्या है? डेवलप नहीं है. तो एक और डिफिनेशन आपकी निकल के आती है, एवरेज इनकम. क्या है? एवरेज इनकम. इस एवरेज इनकम के बारे में यानी एवरेज इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम इक्वल टू, अब आप यही टोटल इनकम ऑफ द कंट्री है इसी को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे किससे? हम यहाँ पे लिख एक ही साथ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं. टोटल इनकम ऑफ द कंट्री किससे डिवाइड कर दी जाएगी? टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री. फिर जो निकल करके आएगा वो क्या होगा? यही जो दोनों डिवाइड करेंगे जो निकल करके आएगा उसी को हम क्या कह देंगे? एवरेज इनकम. इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं एवरेज इनकम को, वो क्या है? इट इज़ आल्सो नोन एज पर कैपिटा इनकम. इट इज़ आल्सो नोन एज पर कैपिटा ठीक. इसी को हम किस नाम से भी जानते हैं? पर कैपिटा इनकम के भी नाम से जानते हैं. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके पास क्वेश्चंस निकल करके आएंगे. एक तो ये हो जाएगा कि व्हाई वी टेक द इनकम एज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ वन कंट्री और द स्टेट विद द अदर कंट्री और स्टेट. क्यों लेते हैं? तो आपका आंसर होगा बिकॉज द इनकम बाई विच वी कैन अरेंज टू अलॉट ऑफ द रिसोर्सेज मेनी ऑफ द रिसोर्सेज विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अदर फील्ड. किसी दूसरे फील्ड की जो डेवलपमेंट है उसे सुनिश्चित करने के लिए इनकम होना बहुत ज़रूरी है. जैसे आपकी इनकम अच्छी होगी तो आप अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज ले पाएंगे, अच्छा फूड आप ले पाएंगे, अच्छे भोजन ले पाएंगे आप, सही कि नहीं, अच्छी ट्रेनिंग्स ले पाएंगे. तो एजुकेशन वगैरह लेने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि हेल्थ की अच्छी सुविधा लेने के लिए, मैंने जैसे पहले बताया किसकी ज़्यादा ज़रूरत है? इनकम की. सो इनकम हैज़ बीन टेकन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर द एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द कंट्री. आपकी बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाई द इनकम हैज बीन टेकन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द कंट्री, क्यों लिया गया है, तो मैंने जैसा बताया आप वैसा आंसर फिर लिख देंगे. ठीक ना, कि इनकम हैज बीन टेकन एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू कंपेयर द कंट्रीज बिकॉज इट इज द इनकम बाई विच वी कैन अरेंज
टू द मेनी ऑफ द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द अदर फील्ड सच एज टू गेट द गुड एजुकेशन वी नीड द मनी, हमको पैसा चाहिए, टू गेट द बेटर हेल्थ फैसिलिटीज वी नीड द मनी, एंड फॉर द बेटर लाइफ या क्वालिटेटिव लाइफ द इनकम इज वेरी नेसेसरी, इनकम बहुत जरूरी हो गया है, ठीक है ना। अब फिर दूसरा आ जाता है ना कि आप एवरेज इनकम क्यों क्यों लेते हैं, वाई द एवरेज इनकम हैज बीन टेकन टू कंपेयर द वन कंट्री विद द अनदर कंट्री, तो आपका आंसर हो जाएगा बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द वन कंट्री बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ द वन कंट्रीज डिफर फ्रॉम द अदर कंट्रीज सो द एवरेज इनकम हैज बीन टेकन टू कंपेयर द वन कंट्री विद द अनदर कंट्री और वन स्टेट विद द अनदर स्टेट, आपका ये हो गया। अब आपका ना नीचे रिपोर्ट दिया हुआ है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक, उसमें आपको कुछ फैक्ट्स पढ़ने हैं कि भाई वर्ल्ड बैंक किस क्राइटेरिया के बेसिस पे मानता है कि किसकी कितनी इनकम हो अगर, तो वो जो है डेवलप कंट्री की बेसिस पे गिना जाएगा, और किसकी कितनी इनकम हो तो वो अंडर डेवलप में गिना जाएगा। इंडिया जो है वो किस में आता है, लो मिडिल डेवलपमेंट कंट्री में आता है, क्योंकि इंडिया की इनकम ना तो बहुत कम है और ना ही बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये टॉपिक बहुत ही आसान है कि भाई डॉलर के बेसिस पे हम करते हैं, आपको डॉलर के बेसिस पे करना है क्योंकि डॉलर को ही लिया जाता है, क्योंकि अमेरिका जो है वो मैक्सिमम कंट्रियों के साथ उसके रिलेशन है, वो कैसे रिलेशन है उसके, तो ट्रेड रिलेशन है ज़्यादातर उसके सभी कंट्रियों के साथ, और पूरी दुनिया में लगभग लगभग डॉलर को रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है, तो डॉलर को ही हम लेते हैं, वो अलग मुद्दा है आपका। अब आपको केवल इतना पढ़ना है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, पहला क्वेश्चन तो यही हो जाता है कि विच पब्लिश द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड बैंक, और किस बेसिस पे कंपेयर करता है वर्ल्ड बैंक, तो वो करता है कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एवरेज इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, तो आप लिख देंगे कि द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एंड द सोल्यूशन इज क्या है, कंसिडर्ड एज द पर कैपिटा और द एवरेज इनकम। अब हम लोग अगली वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि लिमिटेशंस ऑफ द एवरेज इनकम, एवरेज इनकम की भी लिमिटेशंस जो हमें कंपेयर करते हैं इसमें भी कुछ क्या है, कमियां हैं, उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग इतना पढ़िए, आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।